सो वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेडिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले इन प्रेजेंस ऑफ BU3SNH एंड AIBN जिसका नाम थोड़ा बिग है एजो 20-isobutyride और नाइट्राइल। अगर आप सीएस एंड नेट और गेट के लिए प्रिपेयर करें तो रेडिकल केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं गेट और नेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 5 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 11 और 12 प्रॉब्लम हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 11 टू 12 प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो बेसिकली देखो, हम लोग जो बेसिक केमिस्ट्री है वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है। ये जो AIBN है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CN देन एन डबल वन एन देन टू मिथाइल देन CN, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, जब हम लोग इसको हीट करते तो क्या होता है ना, ये जो बॉन्ड ये बहुत ही इजीली ब्रेक कर जाता है, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से जेनरेट होता है एज ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वो बहुत स्टेबल और गुड मॉलिक्यूल, वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप के तौर पे काम करता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, ये जेनरेट हो रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, ये जो BU3SNH, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होमोलाइसिस हो रहा है और यू कैन से थर्मल होमोलाइसिस, ऑलराइट। नाउ ये जो स्टेप हो रहा है उसके बाद ये जो रेडिकल है ये जाके हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, एज ए रिजल्ट BU3SN रेडिकल जेनरेट हो रहा है। अभी यहाँ पे क्यों अटैक कर रहा है, देखो बहुत ही सिंपल बात है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे जो रेडिकल जेनरेट हो रहा है, अभी ये जो रेडिकल इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, वो जो हैलाइड बॉन्ड होता है, लेट्स अगर किसी भी जगह में CBr, रिमेंबर ऑलवेज CBr और CI ऐसा अगर बॉन्ड रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट जाके ये रेडिकल ऐसे हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करके रेडिकल जेनरेट करेगा, ठीक है। मैं अगर एक एग्जांपल चूज करूंगा यहाँ पे, लेट्स से यू हैव दिस, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से सिस्टम है जहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अगर कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल हमने चूज किया है, तो ये जो रेडिकल अभी जेनरेट होगा BU3SN रेडिकल, वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, यहाँ पे। अभी यहाँ पे जब अटैक करेगा, इसका केमिस्ट्री क्या है, देखो ये जो CBr और CI बॉन्ड है वो रिलेटिवली वीक होता है, एज ए रिजल्ट यहाँ पे ये अटैक करेगा। अच्छा, अभी अटैक करने के बाद यहाँ से क्या बनेगा, लेट्स से BU3SNBr, अभी ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या जेनरेट हो रहा है, अभी देखो डबल बॉन्ड यू हैव ए रेडिकल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोगों को जो देखना है, दैट इज योर बर्डविन रूल, बर्डविन रूल, ओके। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बर्डविन रूल को देखेंगे, इसका क्या रूल है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट अगर देखो यहाँ पे जो रेडिकल है वेरी इजिली यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये जो ब्लैक जो पाथ है अगर उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग जेनरेट हो रहा है, राइट, और यहाँ पे CH2 रेडिकल हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ से अटैक करेंगे तो ये होगा, तो यहाँ पे क्या जेनरेट हो रहा है, देखो 6 मेंबर रिंग, क्लियर हो गया। अभी उसके बाद क्या होगा, ये और एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ले लेगा, एज ए रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट। सिमिलरली ये भी एक BU3SNH से एक हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये प्रोडक्ट बनेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो अटैक हो रहा है, देखो यहां से जब ये अटैक करेगा और ये जो रेडिकल ओपन करेगा वो बाहर की तरफ हो रहा है, ये 5 मेंबर रिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 5। ये जो मोड ऑफ अटैक हो रहा है वो बाहर की तरफ हो रहा है, दैट इज योर 100। अब ये कहां पे अटैक कर रहा है, sp2 hybridize, always remember जब हम लोग sp2 hybridize होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल कार्बन, और यू कैन से ये जो ट्राई जी है ट्रिग, तो यहाँ पे ट्रिग हो रहा है, क्लियर हो गया है। इसको हम लोग ऐसे करके डिनोट करते हैं, एंड जो ये पाथ हो रहा है सेकेंड पाथ में, ये जो अटैक हो रहा है वो देखो 6 मेंबर, एंड ये जो मोड हो रहा है, ये ओपन जो हो रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, दैट इज एंडो, ऑल्सो डबल बॉन्ड मैटर कर रहे हैं, तो ये है ट्रिग। नाउ अकॉर्डिंग टू बर्डविन रूल जो है, दैट इज ये जो स्टेप है 1 और 2, दैट मीन्स 5, 100 ट्रिक जो स्टेप है वो ज्यादा फेवरेबल है इन कंपेरिजन टू 6 एंडो ट्रिक, क्लियर हो गया।
तो ये जो फर्स्ट स्टेप है वो ज्यादा फेवरेबल होता है। एज अ रिजल्ट ये जो यील्ड होता है, ये जो प्रोडक्ट का यील्ड होता है वो 83% होता है और इस केस में 3% होता है। दैट मीन्स काइनेटिकली, ऑलवेज रिमेंबर, काइनेटिकली ये जो स्टेप है ये फेवरेबल होता है। काइनेटिकली, काइनेटिकली 6-endotric का जो मोड होता है, जो मोड ऑफ एडिशन होता है, ऑलवेज दिस इज द एडिशन रिएक्शन, जो मोड ऑफ एडिशन होता है वो फेवरेबल होता है इन कंपेरिजन टू 6-endotric। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी एज वेल एज ओवरलैप, ठीक है, द ऑर्बिटल ओवरलैप, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये फेवरेबल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा है, पहले हम लोग यहाँ पे समराइज कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया। तो अभी जब प्रॉब्लम आएगा, देखो प्रॉब्लम में ऐसे रीजन दे देगा BU3SNH AIBN एंड देन यू हैव हीट और सॉल्वेंट। उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे रिएक्ट करके क्या होगा, ऐसे करके ये जेनरेट करेगा, राइट। तो यही जाके नॉर्मली क्या करते हैं, ये जहां पे हैलाइड बॉन्ड होगा वहां पे जाके अटैक करेगा, वेरी सिंपल। उसके बाद जब रेडिकल जेनरेट होगा वो रेडिकल क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा, कहां पे करेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अभी अगर ट्रिपल बॉन्ड में अटैक करेगा तो वो किस टाइप का कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल, जैसे डायगोनल, और यू कैन से डिग, ये जो थ्री टर्म है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम में क्या बोलेंगे, डिग, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में अटैक करते तो ये 5-exo डिग हो जाता, ठीक है। नाउ एक एक करके हम लोग और एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने क्या सीखा है, जो 5-exo ट्रिग होता है उसका रेट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू 6-endotric, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट रूल। अभी सेकेंड रूल जो है, अगर इनके हम लोग 7 और 8 मेंबर रिंग जेनरेट कर रहे हैं, 7 और 8 मेंबर रिंग, किसी भी एग्जांपल पे अगर 7 और 8 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है एंड उसका मोड अगर लेट्स से 8-endomode है, ऑलवेज एंडोमोड फेवरेबल होता है, अगर एंडोट्रिक होता है उसका रेट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू 5-exotric, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। सिमिलरली ये जो 8-endotric होता है और यू कैन से 7-endotric एंड 8-endotric, ये फेवरेबल होता है, ऑलवेज फेवरेबल होता है, ये ट्रिक जो मोड होता है, जो अंदर अंदर के साइड में जो रिंग ओपनिंग होता है, ऑलवेज वो फेवरेबल होता है। अभी ये आपको ये समझना पड़ेगा, ओके, अकॉर्डिंग टू बार्डोल रूल यही हम ये कंडीशन है। उसके बाद अगर हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं अभी। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, ये रेडिकल जेनरेट होगा, रेडिकल जाके यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये जेनरेट होगा, तो हम लोग इसको पहले ड्रॉ कर लेते, ठीक है, CO2 ET, रेडिकल, राइट। अभी क्या करेगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5 वो क्या करेगा, एडिशन होगा, कहाँ पे एडिशन होगा, अगर इस साइड से एडिशन करेगा तो इधर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या है, 5-exotric ज्यादा फेवरेबल है, तो डेफिनेटली वो ऐसे करके एडिशन होगा, 5 मेंबर रिंग जॉइंट होगा, OCOPHO दिस ग्रुप। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, दैट डिपेंड ऑन दिस ग्रुप, अगर ये ग्रुप ऊपर है, ये ग्रुप ऊपर है, तो ये अटैक भी कहां से होगा, नीचे से, मतलब अटैक होने के बाद ये ग्रुप कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा, राइट, CO2 ET। अभी यहाँ पे जो रेडिकल जेनरेट हुआ था वो क्या करेगा, और एक मॉलिक्यूल से यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, मैंने ऑलरेडी बताया था, तो यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट डिपेंड ऑन दिस ग्रुप, ठीक है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, तो अगर किसी भी एटम में अगर 2 ग्रुप ऊपर है तो थर्ड ग्रुप ऑलवेज नीचे होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रेंड होता है 5 मेंबर रिंग में, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन सब नेट में आया है, बहुत ही नेट गेट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, अभी यहाँ पे जो रीजन है ना वो सेम है, ठीक है, यहाँ पे जितना भी ये रीजन है ना, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं, ये सेम रीजन है, ठीक है, ओके। नाउ देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल जेनरेट होगा, कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, अच्छा ये कौन सा मोड था, और एक बार मैं बता देता हूँ, 5-exotric, क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज मिथाइल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो ये जो रेडिकल वो इधर अटैक करेगा, हम लोग को डबल बॉन्ड देखना है, तो डबल बॉन्ड में अगर अटैक करेगा तो ऐसे अटैक करेगा, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मेंबर रिंग में अटैक कर रहा है, तो 5, उसके बाद ये जो मोड हो रहा है वो बाहर की तरफ जा रहा है ना, ओपन कहाँ पे हो रहा है, तो इस तरफ 100, 100 मतलब बाहर की तरफ,
अगर किसी डबल बोन में ऐसे रख करके ये बाहर की तरफ जा रहे हैं तो 100, अगर अंदर की तरफ जा रहे हैं दैट इज एंडो। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 100 डबल बोन में अटैक कर रहे हैं दैट इज ए ट्राइगोनल दैट मीन स्ट्रीक। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग 5 5 मेंबर रिंग होते हैं ना वो ऑलवेज सीस होता है, लिख के रख दो, ये जो 5 5 मेंबर रिंग होता है इसका स्टीरियोकेमिस्ट ऑलवेज सीस होता है, ट्रांस नहीं होता है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे रेडिकल होता है CH3। नाउ दिस इज द हाइड्रोजन। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी देखो, ये जो रेडिकल ना ये कहाँ पे अटैक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ऐसे करके ओपन करेगा। मैंने ऑलरेडी बताया था 5 मेंबर का अगर चांस है तो 5 मेंबर ज्यादा फेवरेबल होता है राइट इन कंपैरिजन टू 6। तो यहाँ पे अटैक करेगा, उसके बाद क्या होगा अकॉर्डिंग टू बार्डविन रूल में क्या होगा, यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो ये स्टेप क्या होगा, 5 बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ 100 डबल ट्रिपल बॉन्ड में अटैक कर रहा है, दैट मींस डीक राइट। ओके मैंने क्या बोला था, 5 5 मेंबर क्या होता है ऑलवेज सीस होता है एंड दैट विल बी CH2 रेडिकल, ठीक है सॉरी CH रेडिकल होगा, उसके बाद और एक यहाँ से पोर्टल ले लेगा राइट, रेडिकल जब रिएक्ट करेगा और एक पोर्टल ले लेगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये बिलो द प्लेन है, इज इट ओके, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, क्लियर हो गया। सो दैट विल बी योर बी एंड दैट इज योर ए। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके अगर ये जो प्रॉब्लम है देखो यहाँ पे क्या है, सेम रिएजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा BU3SN रेडिकल होगा जो इधर पे जाके अटैक करेगा राइट। तो अभी यहाँ पे अगर अटैक करेगा ये क्वेश्चन भी CSN8 में आया था। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे कुछ रूल मैंने यहाँ पे बता दिया था जो आपको याद रखना है, ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो ये एंडो, देखो ये मोड जो है वो एंडो मोड है, 8 मेंबर रिंग जेंट कर, देखो वो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस इज योर 8 मेंबर रिंग राइट। तो 8 एंडो ट्रिक ज्यादा फेवरेबल होता है, अभी ये डबल बॉन्ड में अटैक करने ट्रिक, अभी देखो और एक पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, अगर 5 मेंबर में अटैक करेगा तो वो स्पाइरो टाइप ऑफ रिंग होगा, वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा और हिंडर हो जाएगा। ओके नाउ लेट्स डू दैट, अगर ये होगा तो कितना मेंबर रिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पे रेडिकल आएगा तो वो लास्ट में पोर्टल ले लेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 8 मेंबर रिंग, तो ये जो स्टेप है दैट इज योर 8 एंडो ट्रिक राइट, सो दैट इज द फाइनल आंसर, ये 8 मेंबर रिंग है, ठीक है, सो दैट इज योर सी, क्लियर हो गया। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम, सेम रिएजेंट अगर डालेंगे तो क्या होगा, BU3SN रेडिकल जो जाके यहाँ पे अटैक करेगा ये हो जाएगा ओपन। ये क्वेश्चन आया था गेट में। नाउ एज यूजुअल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, वी 1 2 3 4 5 6 7। नाउ यहां पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल बॉन्ड नहीं है बट डबल बॉन्ड टाइप ऑफ सिस्टम है, दैट मींस कार्बोनिल ग्रुप है, अगर कार्बोनिल होगा तो यहां पे एडिशन होगा, ऐसे ओपन हो जाएगा राइट, वेरी सिंपल। तो देखो यहां पे अगर एडिशन होगा 1 2 3 4 5 6 7, 6 एंड 5 मेंबरिंग होगा, सॉरी 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 एंड 5 मेंबरिंग होगा, तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन गया O माइनस, सो दैट विल बी O माइनस, ठीक है, एंड दैट इज योर CO2 CH3, ठीक है। तो ये बेसिकली, उसके बाद क्या होगा, ये इधर आएगा, ये बॉन्ड ना इजीली ओपन कर जाएगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप ये इजीली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐड करेगा जो इसके साथ कॉन्जुगेट करके स्टेबिलाइज हो सकता है। That means, अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो CO2 एमी है ना, सॉरी CH2 CH3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐड होगा जो बेसिकली इसके साथ कॉन्जुगेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा, ये हो जाएगा, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये 6, ये पहले 7 मेंबर था और ये 5 मेंबर, तो हम लोग इसको 6 6 में डिवाइड कर सकते हैं, 5 6 को 6 6 में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे करके। तो लेट्स से आई कैन पुट ओवर हियर कार्बोनिल,
जो प्रॉब्लम है देखो ये भी गेट में आया था. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बी यू थ्री ए सी एन रेडिकल होगा राइट. अभी रेडिकल एड होगा तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली यहाँ पे अटैक करेगा. तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे रेडिकल होगा ठीक है. नाउ जब एग्जाम में ना ऐसे करके स्ट्रक्चर आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो इसको दिक्कत होता है वो कुछ इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं, बट आई रिकमेंड ट्राई टू राइट लाइक दिस वे. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, एक एक मॉलिक्यूल कैसे CH2 करके ड्रॉ करते, बट आई ट्राई टू रिकमेंड यू टू ट्राई टू प्रैक्टिस लाइक दिस वे, क्योंकि इस टाइप में क्वेश्चन में आएगा और आपको ऐसे करके सॉल्व करना है. अगर आप CSE NEET गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई होप आपका MSc कंप्लीट होगा राइट. तो आपको ऐसे करके प्रैक्टिस करना है ऑलवेज रिमेंबर ठीक है. नाउ ये जब जनरेट हो रहा है रेडिकल तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे देख लो 5. अभी ये ट्रिक जो है ना इसको, ये रिलेटिव ये डीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रिक होना है, डीक भी हो सकता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज दिस पॉइंट 5 XO ओके, दैट इज ऑलवेज फेवरेबल देन 6 ENDO. नाउ ये क्या हो रहा है देखो, ऐसे करके अटैक होगा अकॉर्डिंग टू बर्डविन रूल. क्या होगा 5 XO यहाँ पे क्या हो रहा है 5 XO ये भारत की तरफ जा रहा है 100, अभी डबल वन में अटैक कर रहा है ट्रिक. तो क्या हो रहा है यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा सॉरी ठीक है. अभी जब यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा वो क्या करेगा 1 2 3 4 5 तो ये यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे अटैक कर सकते ना 5. तो अगेन वहां पे क्या होगा 5 XO ट्रिक. तो हम लोगों को क्या मिलेगा, दैट इज 5 मेंबर सॉरी सो दैट इज द 5 XO ट्रिक. क्लियर हो गया, सो दैट विल बी फाइनल आंसर. तो दैट मींस ये जो 5 XO का अगर चांसेस होगा तो पहले होगा, उसका रेट बहुत फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू 6 ENDO. यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी हो सकता था, यू कैन इमेजिन द आई कैन राइट लाइक दिस वे, बट वो माइनर होता ठीक है. ओके मेरे पास और भी सारे प्रॉब्लम है, वो भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करते ठीक है. ओके अभी देखो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सेम रिएजेंट है, वो जाके जो भी हैलाइड बॉम्ब होते हैं वो पे जाके अटैक करते हैं राइट. तो क्या होगा यहाँ पे रेडिकल जॉइंट होगा, यहाँ पे रेडिकल होगा. नाउ द अनदर पॉइंट यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे जो ग्रुप है. तो देखो ये अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने क्या बताया था ये जो 7 ENDO ट्रिक, मतलब डबल बॉन्ड में अगर अटैक करके ट्रिक, 7 ENDO ट्रिक और 8 ENDO, ये जो 8 और 7 ENDO वो फेवरेबल होता है ऑलवेज. दैट मीन्स ये ऐसे करके 6, what I'm trying to say कि ये ना ऐसे करके नहीं होगा ठीक है. अगर ये ऐसे करके होगा तो ये बेसिकली क्या होगा, ये जो ग्रीन जो कलर है वहाँ पे होगा. देखो 1 2 3 4 5 6 6 XO ट्रिक होगा, विच इज नॉट फेवरेबल और बहुत स्लो होता है, एज ए रिजल्ट ये नहीं होगा. तो ये फेवरेबल होगा ब्लैक वन, उसके बाद क्या होगा प्रोडक्ट, यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है और यहाँ पे जो रिंग जॉइंट होगा वो क्या रिंग होगा, 7 मेंबर रिंग राइट, 1 2 3 4 5 6 7. उसके बाद बाकी जो है वो सेम है बेंजीनिक. तो यहाँ से जो रेडिकल है वो प्रोटोन ले लेगा बाद में ठीक है. सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर ठीक है. ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, द ओनली मैसेज इज दैट ये जो 7 ENDO प्रोडक्ट है वो ज्यादा फेवरेबल होता है ओके. और यू कैन से द 7 ENDO ट्रिक का जो स्टेप है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दैट स्टेप इज योर 7 ENDO अंदर की तरफ जा रहा है राइट. ये अगर ऐसे करेंगे तो ये ऐसे अंदर जा रहा है, सो ENDO डबल बॉन्ड मैटर करे ठीक. तो ये स्टेप ज्यादा फेवरेबल होता है राइट इन कंपैरिजन टू 6 XO ट्रिक ओके. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या होगा, BU3 ASN रेडिकल वो इधर अटैक करेगा, यहाँ पे रेडिकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा मिथाइल OH डबल बॉन्ड रेडिकल CN. तो देखो अभी इसका चांसेस क्या होता है, डबल बॉन्ड मैटर करेगा, सो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे अटैक करेगा. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, CH3 OH एंड दैट इज योर डबल बॉन्ड. नाउ ऑलवेज रिमेंबर जब 5 5 मेंबर ऑलवेज 6 होता है, 6 5 भी 6 होता है, ये जो 6 5 मेंबर जो रिंग होता है वो भी ऑलवेज 6 होता है. सीस और यू कैन से द सेम द मूल मोटिव इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वो सेम साइड में होता है ठीक है ओके.
अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पे क्या होगा, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, जब क्लोरीन एंड ब्रोमीन है तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सीबीआर बॉन्ड, तो कौन रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा राइट। तो यहाँ पे मिथाइल, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ट्रिपल बॉन्ड ओ रेडिकल, और ये जो पार्ट है इसको मैं लेट्स एज्यूम आर, ठीक है। तो ये रेडिकल 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे करके अटैक कर सकते हैं, 5 ऑलवेज रिमेंबर 5 का अगर चांस है तो वो पहले होगा। अनदर क्या पॉसिबिलिटीज आर, 6, ये ऐसे करके भी इधर अटैक कर सकता था, बट अगर वो काउंट करो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 6 नहीं होगा, 5 पहले होगा, तो हम लोग 5 करेंगे, ठीक है ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बॉल्डविन रूल, तो क्या बनेगा, मिथाइल ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, ओके आई कैन राइट लाइक दिस वे, नाउ यहाँ पे 5 मेंबरिंग हो रहा है, ठीक है। अभी जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आ रहा है, ये आर हो रहा है। अभी ये जो अटैक हो रहा है वो क्या हो रहा है, 5 100, ये मोड 100 हो रहा है, बट ट्रिपल बॉन्ड में दैट इज अ डीक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे जो रेडिकल जेनरेट हो रहा है वो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग हो रहा है, तो 5 ये अटैक करेगा और ऐसे करके ओपन होगा। मैंने क्या बोला था, 5 100 ट्रिक ज्यादा फेवरेबल होता है। सिमिलरली ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, लेट्स से मिथाइल अबव द प्लेन है, अगर लेट्स से ये हाइड्रोजन अबव था तो मिथाइल भी अबव होगा, ठीक है। और यहाँ पे रेडिकल तो ये बाद में पोर्टल ले लेगा और बाकी रिंग जैसे है वैसे ही है, एंड दैट इज योर, क्लियर हो गया। तो ये जो स्टेप है दैट इज योर 5, ये मोड ऑफ 100 है बट डबल बॉन्ड अटैक करे, दैट इज अ ट्रिक, क्लियर हो गया। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, इज ऑल राइट ओके ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। अभी देखो ये जो दो प्रॉब्लम है वो सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये दो प्रॉब्लम सिमिलर है, बट इसका केमिस्ट्री ये ऑल्दो सिमिलर बट इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, इसलिए मैंने ये दोनों को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है। तो देखो यहाँ पे बस सीएल बॉन्ड है, अगर एक ही सीएल बॉन्ड है तो वहां पे अटैक होगा, बट इसमें थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लग सकता है। नाउ डबल बॉन्ड यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड रेडिकल राइट। अभी जो पार्ट है सिमिलरली अगर इस केस में ऐसा होगा तो यहाँ पे भी रेडिकल जॉइंट होगा राइट। नाउ अभी यहाँ पे कौन सा मोड होगा, अभी एग्जाम के टाइम पे अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ये ऐसे करके अटैक कर सकते हैं, अगर ये ऐसे अटैक करेगा तो क्या होगा, 5 देखो ये जो मोड हो रहा है वो रिंग के अंदर जा रहा है, सो इंडो ट्रिक, तो 5 5 इंडो जो हो रहा है एक ही पॉसिबिलिटी है, अनदर पॉसिबिलिटी हो रहा है वो ऐसे इधर अगर अटैक करेगा, अगर वो ऐसे अटैक करेगा तो दैट विल बी योर द ब्लैक वन विल बी योर 4, यहाँ पे अटैक करेगा तो ऐसे करके ओपन होगा, सो 100। अभी 4 मेंबर रिंग जब फॉर्म होगा वो बहुत ही अनस्टेबल राइट, स्ट्रेन रहेगा, तो हम लोग 4 मेंबर की बात तो नहीं सोचेंगे राइट। तो डेफिनेटली 4 मेंबर की बात तो नहीं सोचेंगे, डेफिनेटली 5 मेंबर के थ्रू जाएंगे, एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट इन कार्बोनिल पीएच, या फिर रेडिकल होगा वो बाद में प्रोटॉन ले लेगा कहां से, BU3SNH से राइट, ठीक है। एंड इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर 5 और 6 मेंबर, ये 5 मेंबर रिंग ये 6 मेंबर रिंग, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलवेज सेम साइड में होता है। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यहां पे अगर हम लोग ये मोड में एडिशन करेंगे तो वो कौन सा एडिशन हो रहा है, 4 100 ट्रिक राइट। नाउ जब 4 100 ट्रिक कर रहे हैं तो देखो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है राइट। तो ये जो रेडिकल जेनरेट हो रहा है वो क्या रेडिकल है, बेंजाइल रेडिकल। अभी बेंजाइल रेडिकल इज स्टेबल रेडिकल राइट ड्यू टू दिस कंजुगेशन, तो क्या होगा, ये जो बेंजाइल रेडिकल है वो स्टेबल रेडिकल है नेक्स्ट टू द बेंजीन ग्रुप, एज ए रिजल्ट ये फेवरेबल होगा, उसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्यों 4 100 ट्रिक हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन ग्रुप। सिमिलरली अगर बेंजीन नहीं रहेगा तो इसका मोड चेंज हो जाएगा, क्लियर हो गया। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लास्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो क्या है, BU3
SN radical that is going to attack over here. This is the benzene. This goes, this is CO2ET. Okay. Now, ये जो radical react कर रहा है, वो क्या करेगा? Always 5, 1, 2, 3, 4, 5. पहले हम लोग को 5 ही देखना है. तो यहाँ पे 5 क्या mode हो रहा है? ये 5 बाहर की तरफ जा रहा है. That is a exo. और ये double bond attack कर रहा है. That is a trig. और benzene O. यहाँ पे ring form हो रहा है. Clear हो गया? मैंने क्या बताया था? Always remember जब 5 ये अगर bond नीचे है तो hydrogen ऊपर रहेगा ना. तो ये जो अटैक हो रहा है वो क्या अटैक हो रहा है? 5 यहाँ पे क्या है? 6 member ring. Now what I'm trying to say, ये जो 6 और 5 member है इसका stoichiometry क्या होगा? Same होगा ना. यहाँ पे जो hydrogen है वो ऊपर आ जाएगा. Okay. Now यहाँ पे जो radical generate होगा वो क्या करेगा? वो proton को भी ले सकता है. अभी ये जो example ये CSI NET में आया था, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. अब ये जो रेडिकल जेनरेट हो रहा है वो क्या कर सकता है? एक ब्यूटिएशन से प्रोटॉन ले सकता है. बट जब 6 मेंबर के बाद ये जो 3 मेंबर रिंग है साइक्लोप्रोपेन रिंग बहुत ही अनस्टेबल है. ऑलवेज रिमेंबर ये साइक्लोप्रोपेन के पास अगर रेडिकल जेनरेट हो रहा है तो साइक्लोप्रोपेन तो ब्रेक ही करेगा क्योंकि ये इतना स्ट्रेन है. इजीली यहां पे ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा और ऐसे करके ओपन हो जाएगा. अभी रेडिकल यहां पे क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस CO2. अभी यहां पे आ जाएगा, इजीली यहां से ब्रेक करेगा. ओके, नाउ ये अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा? अभी देखो ये बॉन्ड ऊपर है मतलब ये नीचे है CO2ET. उसके बाद ऐसे प्रोटॉन ले लेगा. क्लियर हो गया? सॉरी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. क्लियर हो गया? सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर. यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेन में आ जाएगा. Now for this lecture you can follow Claydon as well as Caruthar, and if you like this video please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching this.